आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ कॉनकेव लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस विद अ डिस्टेंस डी बिटवीन देम। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए लीव्स बी एज अ पैरेलल बीम देन डी इज इक्वल टू। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया गया है वो डेटा इस तरह से है कि पहले आपको एक कॉन्वेक्स लेंस रखना है। ठीक है, लेट्स से आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, फिर आपको इससे कुछ डी दूरी पे एक कॉनकेव लेंस रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, लेट्स से दिस इज कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब इस पे कोई रेज आती है, दोनों की एक्सिस क्या है, सेम है, तो दोनों की एक्सिस में क्या बना देता हूँ, सेम बना देता हूँ, एक्सिस ऑफ बोथ द लेंस इज सेम। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि जो रेज आती है, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ कहाँ है, 20 पे है और इसकी 5 पे है और इन दोनों के बीच की दूरी है d। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि यहाँ से कोई रेज आती है, ठीक है, लेट से यहाँ से इस तरह से रेज आई, ठीक है, वो क्या करती है, वो इस वाले लेंस से पैरेलल हो जाती है, यानी कि कुछ इस तरह आई होगी, ठीक है, और फिर पैरेलल हो गई। ठीक है, सिमिलरली ये रे डायग्राम बनाऊंगा, पैरेलल होगी। इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बन रही है पहले वाले लेंस से, यानी कि इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम लेंस वन, एल वन बोल देता हूं इसको, ठीक है, ये एल वन है, ये एल टू है, ठीक है, विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर एल टू। इससे जो इमेज बनेगी L1 से वो L2 के लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया जाए कि उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बन जाए, देखो पैरेलल हो रही है रेज, इसका मतलब उसकी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, तो कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, ऑब्जेक्ट प्लेस होना चाहिए इसकी फोकस पे। ठीक है, तो द फर्स्ट इमेज, ठीक है, और इमेज फॉर्म्ड बाय L1 should be at focus of L2। L2 के focus पे अगर image बन गई यहां से, इस वाले lens से अगर मैंने L2 के focus पे image बना दी, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो rays होंगी, अगर इसके image इसके focus पे बन रही, तो इसका मतलब ये object इसके focus पे आ गया L2 के लिए, और जो image होगी, final image जो होगी ये lens, दोनों lens के system से, वो कहाँ बनेगी, infinite पे, तभी तो ये parallel हो रही है rays, parallel होने का मतलब क्या है कि final image कहाँ बनेगी, infinite पे। ठीक है, तो देखो यहाँ से image बनेगी कहीं यहाँ पे, जो कि इसके लिए virtual image, virtual object हो जाएगी इस वाले lens के लिए, ठीक है, L2 के लिए, और virtual object हो जाएगी उसके focus पे रखा हुआ है object भी। ठीक है, तो ये focus आएगा कहाँ पे, ये focus आएगा देखो इस वाले लेंस के लिए, अगर माइनस इनफाइनाइट से रेज आ रही है, ठीक है, इधर मैं नेगेटिव मान रहा हूँ और इधर पॉजिटिव मान रहा हूँ, ठीक है, L1 के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, लेंस फॉर्मूला से क्या लिखूंगा, 1/v - 1/u जो होगा वो 1/f के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब u तो माइनस इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये टर्म तो जीरो होगी, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, f, यानी कि इसकी जो इमेज बनेगी, ठीक है, इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ पे, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20, इसका मतलब यहाँ बन रही है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 20, और ये तो मुझे पता है कि इसका भी फोकस है, इसका फोकस कहाँ पे, 5 पे है, तो इसका मतलब d की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई, ये टोटल 20 है, ये 5 है, तो d की वैल्यू कितनी हो गई, 15। देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, पहले वाले लेंस से देखो कि इमेज कहाँ बन रही है, वो इमेज एक्ट करेगी एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दूसरे लेंस के लिए। ठीक है, अब देखो कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, अब मुझे पता चल गया कि भाई जो पहली इमेज है वो यहाँ बन रही है, इसकी डिस्टेंस है जो 20 है यहाँ से इस वाले लेंस से, और इस वाले लेंस से 5 है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।